दोस्तों ये है अमेजोन रेन फॉरेस्ट और ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। ये इतना बड़ा जंगल है, ये अमेरिका के स्टेट वेनेजुएला से स्टार्ट होकर कोलंबिया, कोयाना, ब्राजील और पेरू से होता हुआ बोलिविया पर आकर खत्म होता है। अगर एरिया के हिसाब से बात की जाए तो पूरा अमेजोन रेन फॉरेस्ट 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी ये जंगल इतना बड़ा है कि इसके अंदर पूरे यूनाइटेड किंगडम जैसे 26 राज्य आ सकते हैं। दोस्तों शायद ही आपको ये बात पता हो कि हम जो सांस लेते हैं उसमें 20% हिस्सा हमें अमेजोन फॉरेस्ट की बदौलत ही मिल रहा है। 40,000 करोड़ पेड़ का ये जंगल हमसे सिर्फ एक चीज लेता है और उसके बदले दूसरी चीज देता है। जी हाँ, हमारे नेचर में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड हमसे ले लेता है और हमें उसके बदले में शुद्ध ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। आज आप अमेजोन रेन फॉरेस्ट के बारे में ऐसी दिलचस्प बातों को जानेंगे जो आज तक आपने कभी नहीं सुनी होंगी। दोस्तों अमेजोन फॉरेस्ट का टोटल एरिया तो 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है, लेकिन अगर इसके बॉर्डर के साथ चला जाए तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट का बॉर्डर ही 1500 किलोमीटर लंबा है। यानी ये डिस्टेंस इतना ही हुआ जितना मुंबई से नई दिल्ली या फिर कराची से इस्लामाबाद के साथ चक्कर लगाए जाए। इस आलिशान अमेजोन जंगल को रेन फॉरेस्ट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि शायद ही ऐसा कोई हफ्ता होता होगा इसमें बारिश ना हो। अमेजोन जंगल इतना घना है कि जब बारिश होती है तो पानी जमीन पर 10 मिनट के बाद गिरता है और इसके घने होने की वजह से दिन के टाइम भी जंगल की जमीन पर अंधेरा छाया रहता है क्योंकि घने पेड़ सूरज की रोशनी को भी गुजरने नहीं देते। बारिश और खूबसूरत पलों की वजह से यहाँ जानवरों, परिंदों और प्लांट्स की ऐसी अजीबोगरीब किस्में पाई जाती हैं जो पूरी दुनिया में केवल अमेजोन जंगल में ही देखी गई हैं। यहाँ 40,000 प्लांट्स की किस्में हैं और 13 अलग अलग नस्लों के परिंदे हैं, 2200 मछलियों की किस्में और 427 किस्म के मैमल्स पाए जाते हैं, 380 अजीबोगरीब रेंगने वाले जीव की नस्लें देखी गई हैं। साथ ही छोटे कीड़ों की अगर बात की जाए तो अमेजोन में अब तक 24 लाख अलग अलग किस्म के कीड़े देखे जा चुके हैं। दोस्तों ये जंगल देखने में जितना खूबसूरत लगता है ये उतना ही खौफनाक भी है क्योंकि यहाँ ऐसे जानवर भी पाए जाते हैं जो हद से ज्यादा खतरनाक है। ग्रीन एनाकोंडा का नाम सबसे ऊपर आता है। ये ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप होता है। जी हाँ, अमेजोन रेन फॉरेस्ट में बसता है 30 फुट लंबा 250 किलोग्राम का बड़ा एनाकोंडा। ये जब अपना शिकार करता है तो बड़े से बड़ा जानवर भी एक ही झटके में सीधा निगल लेता है। हिरन और चीता को भी निगलने की हिम्मत रखता है। अमेजोन फॉरेस्ट में कितने ग्रीन एनाकोंडा है ये अभी तक किसी को भी नहीं पता और ना ही किसी में इतनी हिम्मत है कि यह पता लगा सके। बायोलॉजी की लेबोरेटरी में मेंढक का ऑपरेशन तो आप सभी ने देखा होगा जिसमें टीचर मेंढक को काट कर उसके सभी अंगों के बारे में बताते हैं, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अमेजोन फॉरेस्ट में ऐसा मेंढक भी है जिसमें उसके अंगों को देखने के लिए उसे काटने की जरूरत नहीं होती। जी हाँ, ये मेंढक ग्लास फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है जिसकी स्किन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। इस मेंढक की खाल में कई छोटे छोटे अंग नजर आते हैं। इसका धड़कता हुआ दिल, फेफड़े, लीवर भी नजर आते हैं। अमेजोन फॉरेस्ट में चींटी की एक ऐसी किस्म पाई जाती है जो बहुत ही खतरनाक है। बुलेट एंट के नाम से पहचानी जाने वाली चींटी दुनिया की सबसे बड़ी चींटी है जो 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। अगर ये किसी इंसान को काट ले तो इससे इतना भयंकर दर्द होता है कि वो किसी की जान भी ले सकता है। लोगों का मानना है कि ये दर्द गोली लगने के दर्द जितना ही होता है और इसी वजह से इसे बुलेट एंट कहा जाता है। हजारों मील तक फैले इस जंगल को दुनिया की दूसरी लंबी झील और पानी के फ्लो के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा दरिया भी गुजरता है। यह है अमेजोन रिवर और इसकी कुल लंबाई 6,840 किलोमीटर है। पूरे अमेजोन फॉरेस्ट में बारिश का जितना भी पानी इकट्ठा होता है वो इस रिवर से होता हुआ पोर्शन में जा गिरता है। हैरत की बात यह है कि अमेजोन रिवर से एक सेकंड में 2,19,000 क्यूबिक मीटर पानी गुजरता है। सिटी स्टार सारा मलिक शेर इजिप्ट में दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल है। अमेजोन रिवर से गुजरने वाला पानी इस स्विमिंग पूल को सिर्फ और सिर्फ एक सेकंड में पूरा भर सकता है। जितना पानी अमेजोन रिवर से गुजरकर अटलांटिक ओशन में गिरता है दुनिया के टॉप लेन, दुनिया की टॉप 10 रिवर के पानी को मिला भी लिया जाए तो भी ये सारी रिवर अमेजोन रिवर का मुकाबला नहीं कर सकती। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेजोन रिवर 2,19,000 क्यूबिक मीटर पानी को पोर्शन में गिराता है और दूसरी तरफ इंडस रिवर सिर्फ 7,100 क्यूबिक मीटर पानी ओशन में गिराती है। यहाँ इंसानी आबादी कम होने से अमेजोन रिवर में अजीबोगरीब किस्म की मुश्किलों को भी देखा गया है जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है पिंक डॉल्फिन का। 9 फीट लंबी, 200 केजी वजनी ये पिंक डॉल्फिन दूसरी डॉल्फिन के हिसाब से काफी ज्यादा तेज होती है क्योंकि इनका दिमाग काफी ज्यादा बड़ा होता है। वैसे तो डॉल्फिन के नेचर बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, लेकिन पिंक डॉल्फिन बहुत ही खतरनाक होती है जो इंसानों पर भी अटैक कर देती है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के पास कई ऐसे सबूत हैं, जैसे पिछले 2.5 सालों में अमेजोन रिवर में मछली की एक ऐसी खतरनाक किस्म भी पाई जाती है जिसको इलेक्ट्रिक ईल कहा जाता है।
हैरतअंगेज तौर पर मछली की एक किस्म हमला करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का शॉक देती है। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ये करंट 880 वॉट तक नोटिस किया गया है। अमेज़न रिवर में कई ऐसे केसेस हुए हैं इसमें इलेक्ट्रिक ईल्स ने इंसानों को हाई वोल्टेज करंट देकर मार दिया था। इंसान तो बहुत दूर की बात है, इलेक्ट्रिक ईल्स ने अपने से 100 गुना ज्यादा बड़े क्रोकोडाइल को भी सिर्फ एक ही झटके में मौत के घाट उतार दिया था। संस्थान का कहना था कि इलेक्ट्रिक ईल 880 वोल्ट का झटका देती है जिससे किसी का भी नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन हो जाता है। मार्टिन स्टेल एक मैराथन स्विमर है जिसने पूरी अमेज़न रिवर को स्विम करके पार किया था और वो भी सिर्फ 88 दिनों में ही। 2007 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए मार्टिन ने दुनिया की सबसे खतरनाक रिवर को चुना। मार्टिन दिन के 10 घंटे लगातार स्विम करते थे और बाकी समय रेस्ट करते थे। मार्टिन का कहना था कि इतनी खतरनाक रिवर में शॉक इलेक्ट्रिक ईल्स और क्रोकोडाइल से बचने के लिए उसकी टीम पीछे अलग बोट में आती थी। वो रिवर के दूसरी साइड पर गोश्त के टुकड़े फेंकती थी ताकि इन जानलेवा जीवों का ध्यान भटकाया जा सके। दोस्तों, अमेज़न के जंगल में एक ऐसी रिवर भी है जिसमें पानी हर वक्त गर्म होता रहता है। 6.5 किलोमीटर लंबी धुआं निकालती है रिवर अमेज़न रिवर के उस हिस्से में मौजूद है जो पेरू के अंत में पड़ती है। इस रिवर में पानी का टेम्परेचर 1900 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है जिसमें कोई भी चीज आसानी से पकाई जा सकती है। पूरा साल इस रिवर का पानी गर्म होता रहता है लेकिन किसी को भी इसकी असल वजह अभी तक नहीं मालूम पड़ी है। अमेज़न के इस आलिशान जंगल में करीब 600 कबीले भी बसते हैं। ये लोग इस जंगल में ही शिकार करते हैं और यहीं अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इनमें से कई कबीले तो ऐसे भी हैं जिन्होंने आज तक बाहर की दुनिया की शक्ल तक नहीं देखी है और जब इनके सामने और कोई इंसान आता है तो ये ऐसे रिएक्ट करते हैं कि किसी प्लैनेट से एलियन आया हो। अमेज़न जंगल में कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जिनको सैटेलाइट से देखा गया तो वहाँ बड़े एरिया में जमीन पर कुछ निशान बने हुए थे। इन्हें काब जियोग्लिपिस कहा जाता है। ये इतने बड़े हैं कि जब इनके अंदर कोई खड़ा होता है तो उसको महसूस भी नहीं होता कि यह किसी खास निशान के ऊपर खड़े हैं। इनमें से कई जीप क्लिप की साइज की 1.5 किलोमीटर तक फैली हुई है और ऐसी 300 से भी ज्यादा जीप क्लिप्स अमेज़न फॉरेस्ट में देखी गई हैं। इन अजीबोगरीब निशान का मकसद क्या है और ये किसने बनाए हैं इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। कुछ लोगों का मानना है कि शायद एलियंस अपने निशान छोड़ के गए हैं या फिर हजारों साल पहले यहाँ इंसानों की कोई ऐसी सिविलाइजेशन बसती थी जिन्होंने ये निशान इतनी महारत से बनाए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और संगीला वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।